और ये है हमारे राज्यसभा मेंबर श्रीमान गुलाम अली खटाना साहब। ये है महाराज मंत्री जी हमारे जिला के प्रधान कपाई साहब। ये है केशव जी मंडल प्रधान हमारे। आज के प्रधान वो बड़ा व्यस्तता के साथ श्री नरेंद्र मोदी shared a grand vision for the next 25 years, which was enacted in 1962. वैसे तो इस मेले का आयोजन जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र जो है वो अर्पित किए थे। और फिर उसके बाद ये क्रम जो है वो जारी है। और जैसे कि जहां पर कटाना साहब कह रहे थे कि भाई ये 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां जो है वो नौजवानों को दी है। जब से ये क्रम शुरू हुआ इससे पहले भी ये क्रम जारी है। परंपरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। वैसे तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। या फिर नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास के कार्य कर इस साथ से हमारे देश की उन्नति और तरक्की के रास्ते जो है वो खुलते हैं। हम सब ने देखा है कि देश के प्रति समर्पण भावना के साथ हम सब आज कार्य कर रहे हैं। देश में जिस तरह आज रोजगार मेलों द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। स्टार्टिंग में जब घोषणा हुई थी लोग बहुत हल्के में ले रहे थे कि होगा क्या, आज तीसरा रोजगार मेला है। 1,43,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम रोजगार दे चुके हैं। आज के दिन भी 71,000 लोगों को रोजगार जा रहा है। एक नई किरण नया उत्साह आज लोगों में है। मैंने उन युवकों से पूछा कैसा लग रहा है तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और खाली वो शिगुफा नहीं था जैसे पहले से होता था, कई लोग घोषणाएं करते थे अमल नहीं होता था। आज हर चीज पर 100% अमल हो रहा है और हमारे बेरोजगार नव युवकों को आशा की नई किरण दिखी है। और पूरे देश में एक नया वातावरण, नया उत्साह है रोजगार पाने का।